आज हम जो फर्स्ट पिलर है गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, उसमें हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट्स की जो पावर्स हैं वो क्या हैं, जो फेडरल सिस्टम है एक्चुअली में उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो कितनी पावर्स रखता है और उसका रोल क्या है। ठीक हो गया जनाब, चलिए देखते हैं। तो ये जो मैंने बात की थी, जो तीन पिलर्स हैं, तो हमने उसमें देखा था कि जो एक एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो प्रेसिडेंट है, कि जो एग्जीक्यूशन में जो सबसे हायर अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट की है। गो के पाकिस्तान के अंदर जो है फेडरल सिस्टम में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बराए नाम ही है, ऐसा ही है ना। अभी भी हम करंटली भी देख ले तो हमें शायद नाम भी ना आए अपने प्रेसिडेंट साहब का, क्योंकि वो अलामती तौर पर होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास पावर होती है, ऐसा ही है, एग्जीक्यूटिव हैं तो वो जो भी करते हैं उनके पास कुछ ना कुछ पावर्स लायक करती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट कौन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हर वो बंदा जो मुसलमान है, पहली बात, जो 45 साल की एज रखता है, दूसरी बात, और तीसरी बात, जो असेंबली का मेंबर मुंतखब होने की एलिजिबिलिटी रखता है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकता है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। यानी मुसलमान होना कंपलसरी है, नॉन मुस्लिम है तो वो नहीं बन सकता, पाकिस्तान के अंदर हम बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर 45 ईयर्स से कम है उसकी एज वो भी नहीं बन सकता, और एट दी एंड अगर वो एलिजिबल नहीं, उसके ऊपर कोई क्राइम सीन है, कुछ भी उसके खाते पेंडिंग हैं, तो वो असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता, तो इट्स मीन कि वो प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता। ये तो हो गया जी बनने की बात। आगे अब अगर अथॉरिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझ लेनी है कि प्रेसिडेंट की बहुत सी अथॉरिटीज़ हैं मगर बराए नाम हैं, क्योंकि जो फेडरल सिस्टम है उसके अंदर जो, या पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर सारी जो पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। ठीक है, केयर टेकर वही होता है, लेकिन जहां पे सिग्नेचर करने की बात हो तो वहां पे फिर जो है ना कहीं प्रेसिडेंट का भी रोल वहां पे होता है। तो उसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ऐसा ही है, वो मुल्क का सरबराह होता है। जैसे घर का सरबराह है ना, घर के अंदर जो सारा कंट्रोल है वो तो आप कह लें कि वालदा का है, तो वालिद जो हैं, जो अब्बू जी हैं, उनका क्या काम है जी, वो क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो बिल्कुल वैसे ही जो स्टेट है उसका जो हेड है वो कौन है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है उनकी अथॉरिटीज़ क्या हैं, स्पेशल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका जो हेड है, जो कंट्रोल है, एट द एंड कंट्रोल, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होता है। गो के बराए नाम है, बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में डॉक्यूमेंट्स के पास, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो उन्हीं के पास होता है। इसके बाद हम देखते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैबिनेट जो है, इसका राइट जो है वो प्रेसिडेंट को होता है। यानी अब जो पार्टी जीती है, जो पार्टी भी, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उन्हें दावत देंगे कि भाई आप आएँ और आके अपनी गवर्नमेंट बनाएं, और हल्फ जो है वो प्राइम मिनिस्टर से कौन लेंगे, प्रेसिडेंट साहब लेंगे। वैसे ही जो कैबिनेट बनेगी वो भी जो है वो भी किससे बनेगी, जो भी प्रेसिडेंट साहब कैबिनेट वो बनाएंगे, लेकिन किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे बनाएंगे वो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। वैसे ही जो है वो उन्हें मिनिस्टर्स अपॉइंट करने का भी राइट है। ठीक है, किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा स्पेशल पावर्स कुछ होती हैं प्रेसिडेंट के पास, जो उनकी अपनी पर्सनल पावर्स हैं। ठीक है ना, जैसे कि वो किसी भी मामले में जो है वो मुदाखलत कर सकते हैं, जहाँ पर वो समझते हैं कि स्टेट को कहीं लॉस हो रहा है वहाँ पर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह से प्रेसिडेंट के जो है, प्राइम मिनिस्टर का जो मशवरा है उसके मुताबिक वो कुछ भी जो है ना अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम अगर बात करें तो आगे हम देखेंगे जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो भी जो है वो कौन करता है जी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही करते हैं। ठीक हो गया, इसी तरह से जो आर्म फोर्सेज हैं, तीनों जो फौजी सरबराहान हैं और जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो कमेटी है, इनके जो हेड है वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ये इनकी स्पेशल पावर्स हैं। ठीक हो गया, तो ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पावर है लॉ मेकिंग रिलेटेड, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ऑर्डिनेंस जो है वो इशू करने का इख्तियार है प्रेसिडेंट को, जो कि 4 महीने तक चल सकता है बगैर असेंबली से
पास हुए, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया जी, एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया रातों रात, अगर असेंबली का सेशन नहीं बुलाया हुआ तो, या अगर ज़रूरत पड़ रही है फ़ौरन से कोई लॉ बनाना है तो वो प्रेसिडेंट साहब को अलाउ है उनकी स्पेशल पावर में कि वो बना सकते हैं। तो 4 महीने के अंदर अंदर उसे असेंबली से पास करवाया जा सकता है, और अगर उसे असेंबली पास करेगी तो 4 महीने के बाद आगे उसी तरह से कैरी करेगा, अगर नहीं करेगी तो वो डिसमिस हो जाएगा। तो नॉर्मली कैरी हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना कुछ पावर्स जो हैं वो किसके पास हैं, हमारे फेडरल सिस्टम के अंदर हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास मौजूद हैं ये पावर।